इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के हरदोई से आ रही है, जहां चांदी बेचने को लेकर विवाद हो गया। दबंग ने बंदूक लेकर ज्वेलर्स को धमकाया है, धमकी। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के हरदोई से आ रही है, जहां चांदी बेचने को लेकर विवाद हो गया। दबंग ने बंदूक लेकर ज्वेलर्स को धमकाया है, असलाहधारी दबंग की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ज्वेलर्स की तहरीर पर दबंग के विरुद्ध FIR दर्ज कर ली गई है। शहर कोतवाली के महात्मा गांधी मार्ग स्थित वैड़ी माधव इंटर कॉलेज के सामने का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हरदोई से आ रही है, जहां चांदी बेचने को लेकर विवाद हो गया। दबंग ने बंदूक लेकर ज्वेलर्स को धमकाया, असलाहधारी दबंग की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ज्वेलर्स की तहरीर पर दबंग के विरुद्ध FIR दर्ज कर ली गई है। इसी बीच हरदोई से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुबेर खान जुड़ चुके हैं। जुबेर, क्या था पूरा मामला? सर जी, मामला यह है, चांदी बेचने को लेकर यह विवाद हुआ है और इसमें जो है असलाह युवक जो है करतूत जो है सामने आए, सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है और इसमें पुलिस जो है उसने जो है उनके कहने के ऊपर FIR भी दर्ज की है। आगे की कार्रवाई उनके कहने के मुताबिक यह है कि जारी है। ज्वेलर से कहने पर FIR दर्ज हो गई है और कार्रवाई जारी है। आखिर दबंग युवक ने यह असलाह क्यों निकाला? सर जी, इस चीज का मामला अभी सामने नहीं आया है, हालांकि यही बताया गया है कि चांदी को लेकर यह विवाद हुआ है। क्या युवक चांदी बेचने आया था या फिर खरीदने आया था? नहीं, ये बेचने आया था चांदी। ये चांदी बेचने आया था, जिसके बाद ये विवाद हो गया दो दुकानदार और युवक के बीच में, दबंग युवक के बीच में। हाँ, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है? अभी गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन पूरा आश्वासन दे रहे हैं। हमारे SP महोदय ने भी उस पर जो है कड़ी संज्ञान लिया है। SP ने कड़ा संज्ञान लिया है और आश्वासन दिया जा रहा है जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। धन्यवाद जुबेर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर है इस वक्त की हरदोई से आ रही है, जहां पर चांदी बेचने को लेकर विवाद हो गया है। एक दबंग युवक असलाह निकाल लेता है, ज्वेलर्स को असलाह दिखाता है, अपनी दबंगई दिखाता है, उसकी दबंगई वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। फिलहाल पुलिस ने ज्वेलर्स के कहने पर दबंग के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। थाना कोतवाली शहर पर आशीष रसोगी निवासी सदर बाजार, इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है कि श्री ज्वेलर्स नाम की दुकान है और उस पर एक व्यक्ति है अभिषेक सिंह, जो कि चांदी बेचने आए, उसके भाव को लेकर आपस में इन्होंने कहासुनी हो गई। इस पर जो अभिषेक सिंह है, इन्होंने अपनी गाड़ी में उनकी एक बंदूक रखी थी, उसको निकाल कर लिया है, उसे धमकाया, ऐसा आरोप उनके द्वारा लगाया गया है। पुलिस ने इसमें उचित धाराओं में अभियोग किया है, विवेचना की जा रही है। जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर कार्रवाई की।